नमस्कार, बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की। उत्तर प्रदेश में इस समय चुनाव की जैसे जैसे आहट बढ़ती जा रही है, वैसे राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। इसी कड़ी में AIAM के असदुद्दीन ओवैसी साहब जो आज लखनऊ में मौजूद थे, उन्होंने मुस्लिम जो मतदाता हैं और मुस्लिम समाज में जो स्थितियां हैं उस पर एक रिपोर्ट की चर्चा करते हुए बात कही कि जो आरोप लगाती है बीजेपी या दूसरे जो दल हैं बीजेपी के सहयोगी कि मुस्लिम तुष्टिकरण हुआ है, तो उनका आरोप था कि मुस्लिम तुष्टिकरण नहीं हुआ है और समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या कोई भी दूसरा दल हो, BSP हो, किसी ने भी मुसलमान समाज के किसी व्यक्ति के लिए कोई काम नहीं किया है। और यही कारण है कि मदरसा के जो टीचर हैं उनकी भी जो सैलरी है वो रोक दी गई। उन्होंने मोदी सरकार पे भी आरोप लगाया और किसी तरह से भी जो मुसलमान हैं उनको कैसे आगे लाया जाए, उनकी जो गरीबी और तंगहाली है उसको कैसे ठीक किया जाए, इस पर भी उन्होंने बात कही। लेकिन सीधे सीधे उनका निशाना समाजवादी पार्टी और BSP पर था कि उनका कहना था कि इन दोनों पार्टियों ने मुसलमानों के वोट तो हासिल किए लेकिन आज तक कोई उनके लिए काम नहीं किया, और BJP जो उनके लिए करती ही नहीं है लेकिन गलत बयानी करती है कि उनका सबका साथ सबका विश्वास, तो किसी तरह से भी किसी का विश्वास नहीं लिया गया है। और देखिए ओवैसी साहब इस पूरे मामले में क्या बयान दे रहे हैं, आप सुनिए। मेरे भाई आप ये देखिए जो बंद हो रहा है ना, ये तो 5 साल से चल रहा है ना सिलसिला बंद होने का, तो आपको पूछना चाहिए सवाल अखिलेश यादव को, जिसके ख्वाब में श्री कृष्ण आकर कह दिए कि अब आप बन गए मुख्यमंत्री, इनसे पूछिए कि भाई आपके ख्वाब में ये स्कूल नहीं आते क्या, आपके ख्वाब में उर्दू की डेवलपमेंट नहीं आता है क्या, आपके ख्वाब में सिर्फ मुस्लिम वोट की नजर आता है आपको, एक गुलाब जामुन की तरह के खा लो इसको और भूल जाओ। तो यही तो हम कह रहे हैं कि बिल्कुल सही है, उर्दू तो मुसलमानों की जबान नहीं है ना, उर्दू तो भारत की तहजीब का कॉम्पोजिट कल्चर का एक बुनियादी हिस्सा है। यही उर्दू थी जिसने नारा दिया था इनकलाब जिंदाबाद आजादी की लड़ाई में, आपने इसको जोड़ दिया एक मजहब से, बिल्कुल गलत है, इसीलिए नाइंसाफी की जा रही। और कुछ सवाल तो में से पहले की थी, अब फिर अब कर दी है गलतियों, वो सबक नहीं हासिल किए सेकेंड वेव के बाद। अब जितना भी जो बायोलॉजिकल ई का एक है, सीरम का एक वैक्सीन है, और आपके कोवैक्सीन का एक नेजल वैक्सीन है और mRNA का पुणे का है, ये सब कब आएंगे पूछिए बीजेपी वालों से, कब जनता को लगेंगे पूछिए, प्रिकॉशनरी बोलिए, बूस्टर शॉट बोलिए, कब लगेंगे? अगर आप वो कर देते तो हम इस थर्ड वेव को थोड़ा बहुत रोक पाते। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।